नमस्कार दोस्तों, एके कंप्यूटर्स पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये हमारे पास एक नया प्रोग्रामर है, CH341। CH341A मिनी प्रोग्रामर, काफ़ी चिपेस्ट प्रोग्रामर है ये। इस प्रोग्रामर की सहायता से हम, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 25 सीरीज की बायोस को हम प्रोग्राम कर सकते हैं। अगर ये आपको परचेज करना है तो आप हमारे सर मिस्टर सुबोध कुमार जी ठाकुर जी से कांटेक्ट कर सकते हैं, जिनका कांटेक्ट नंबर भी मैं आपको आगे दे दूंगा। इसमें आप ये जम्पर का पोजीशन यही रहना चाहिए प्रोग्रामिंग के लिए, अगर आप इसको एज ए प्रोग्रामर यूज़ कर रहे हैं। ये 1 और 2 पर हमारा जम्पर लगा हुआ है। इसके बाद में हम देखते हैं, यहाँ हमारा ये सॉकेट है, ये इस पर हैंडल लगा हुआ है, ये अभी लॉक पोजीशन में है। इसको ऊपर करते हैं तो यहाँ से पिंस अनलॉक हो जाती है। ये किस प्रकार से काम करता है तो ये भी हम देख लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हैंडल वाली साइड से आप ऊपर से आएंगे तो यहाँ पर आपका 24 सीरीज का बायोस चिप लगेगा और नीचे 25 सीरीज का बायोस चिप लगेगा। पिन नंबर 1 का जो पोजीशन होगा इनका, वो हैंडल वाली साइड पर होगा। मतलब 24 का यहाँ पे लगाएंगे तो पिन नंबर 1 ये होगा, 1 2 3 4, 5 6 7 8। इसी प्रकार से 25 का लगाएंगे तो 1 2 3 4, 5 6 7 8, इस प्रकार से इस पे चिप लगेगा। देखिए, ये इसका सपोर्ट ग्रुप बनाया है। अगर आप ये प्रोग्रामर परचेज करते हैं तो आपको इस पे ऐड कर दिया जाएगा। इन फ्यूचर किसी प्रकार की कोई समस्या प्रोग्रामिंग में आ रही है तो उसका सॉल्यूशन हम देने का प्रयत्न करेंगे। हमारी पूरी कोशिश होगी, अगर आपको किसी तरह की कोई समस्या नहीं आई, कोई समस्या आती है तो उसका समाधान किया जाएगा। CH341 इससे 24-25 सीरीज का प्रोग्राम हो जाएगा। इसके अलावा आजकल जो 1.8 वोल्ट की बायोस चिप आ रही है, XMC, इन चिप को प्रोग्राम करने में काफ़ी दिक्कत आती है, तो ये चिप भी हमारा इस प्रोग्रामर से प्रोग्राम हो जाता है। इसके लिए आप, अगर आपको ये परचेज करना है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करके इसकी प्राइस के बारे में जानकारी ले सकते हैं। 1.8 वोल्ट XMC बायोस चिप को प्रोग्राम करने का वीडियो भी इस ग्रुप पर अवेलेबल है और यूट्यूब पर भी अवेलेबल है। इस प्रोग्राम को यूज़ करने के लिए इसके सॉफ्टवेयर की आवश्यकता है तो नियो प्रोग्रामर 2.1.0.19, इसका सेटअप भी इस ग्रुप पे अवेलेबल है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। 1.8 वोल्ट की बायोस चिप को इस प्रोग्रामर से कैसे प्रोग्राम करना है, इसका ट्रिक हमारे सर मिस्टर सुबोध कुमार जी ठाकुर जी ने यहाँ यूट्यूब पर जो वीडियो है इसमें बताया है। XMC की बायोस चिप है, इसको भी प्रोग्राम करने में काफ़ी दिक्कत आती है। RT8095F से काफ़ी प्रॉब्लम करता है ये, और इस प्रोग्रामर से काफ़ी आसानी से प्रोग्राम हो जाता है। बस आपको ट्रिक यूज़ करना होगा, इसके लिए आपको वीडियो देखिए। जैसा कि मैंने बता दिया आपको, पिन रिटर्न पैटर्न
पहले हैंडल वाली साइड से 24, फिर 25, पिन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इस तरह से इसका पिन डिटेल चलेगा। यहाँ 1, 2 पर जंपर लगा होना चाहिए प्रोग्रामिंग के लिए। इसका सॉफ्टवेयर को मैं ओपन करता हूँ, इसका सॉफ्टवेयर बिल्कुल आसानी से लोड हो जाता है। जब आप इसको इंस्टॉल कर लेते हैं तो इस तरह से ये आपके सामने खुल के आएगा। आपको सबसे पहले ऑप्शन में आना है, लोड लास्ट डिवाइस व्हेन स्टेटस, इस टिक को आपको हटा देना है। लैंग्वेज अगर आपका दूसरा आ रहा है तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। मैं इस प्रोग्रामर को, इस सेटअप को क्लोज करता हूँ। ये मैंने प्रोग्रामर कनेक्ट किया, देखिए इस पे लाइट आ गया है, मतलब ये हमारे सिस्टम से जुड़ गया है। मैं इसके सॉफ्टवेयर को ओपन करता हूँ तो देखिए यहाँ पे अब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आ रहा है। देखिए मेरे पास ये एक बायोस चिप है 25 सीरीज का। मैं इस चिप को इस पे कनेक्ट करता हूँ। देखिए इस पे मैंने ये चिप लगा दिया है। शायद मैं आपको इसका नंबर दिखा पाऊँ। माइक्रोनिक्स का बायोस चिप है 25, इसका सीरीज है। कैमरे का फोकस मैं ठीक कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर आप आईसी में आएंगे, ऑप्शन, हार्डवेयर, स्क्रिप्ट, लैंग्वेज, बफर, यहाँ से हम देखते हैं ऑप्शन, ओपन फाइल सेव करने के लिए, हमारी आईसी को रीड कराने के लिए, प्रोग्राम आईसी, इरेज आईसी, वेरीफाई। जैसे कि आपको पता है इरेज वेरीफाई ऑटोमेटिक हो जाए, इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो हमारा प्रोग्राम आईसी है इस पर क्लिक करते हैं हम। देखिए राइट वेरीफाई पे टिक है, आपको ब्लैंक को भी यहाँ पर टिक लगा देना है, इरेज पर भी आपको टिक लगा देना है। इसी प्रकार से वेरीफाई करते हैं कि ब्लैंक के लिए चेक करता है, तो यहाँ से इन ऑप्शन को आपको टिक कर लेना है, इरेज, ब्लैंक, वेरीफाई, राइट वेरीफाई। तो सबसे पहले हमारा चिप इरेज होता है, फिर ब्लैंक के लिए चेक किया जाता है, फिर उसमें राइट होता है और जो राइट किया गया है कंटेंट उसको वेरीफाई किया जाता है। तो हमें अलग अलग ऑप्शन पे आने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सपोज देखिए मैंने जो चिप लगाया है, मैं इसको रीड कराता हूँ।
सबसे पहले आपको चिप को डिटेक्ट कराना है जो आपने चिप लगाया है। तो यहाँ पर आप ये ऑप्शन देख पा रहे हैं, यहाँ पर आप डिटेक्ट ऑप्शन देख पा रहे हैं, आपको चिप को डिटेक्ट कराना है। तो यहाँ पर जब आप चिप को डिटेक्ट कराएंगे तो आपका चिप डिटेक्ट होके आ जाएगा। मैं डिटेक्ट पे क्लिक करता हूँ तो देखिए इसने हमारा चिप को डिटेक्ट कर लिया है, MX माइक्रोनिक्स 25 सीरीज। यहाँ से हमें सेलेक्ट IC पे क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पे 8 मेगाबिट्स, 8 डिवाइडेड बाय 8, 1 MB का हमारा बायोस चिप है। इसके बाद में हमें इसको रीड कराना है, तो यहाँ से हम रीड IC पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे प्रोसेसिंग चल रहा है, रीडिंग मेमोरी। देखिए आपके सामने बफर आ चुका है, इसने चिप को रीड कर लिया है। रीड के बाद हमारा जो हमने बायोस चिप को रीड कराया है उसको सेव कराने का प्रोसेस होता है। तो हम इस पर सेव पर क्लिक करते हैं, तो हमारे से लोकेशन पूछता है आपको कहाँ सेव करना है। तो मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ, ओल्ड बायोस। और जैसा कि आपको पता है नीचे सेव एज टाइप में फाइल आ रहा है, तो आप यहाँ पर एक्सटेंशन दे देना है आपको .bin और इसको सेव कर देना है। तो इस ये करते पहले आपका जो IC का फर्मवेयर है वो आप सेव हो जाएगा, इसको हम देख सकते हैं डेस्कटॉप पर। ओल्ड बायोस .bin इसका प्रॉपर्टी देख लीजिए, 1 MB। इस प्रकार से हम सेव कर लेते हैं। अगर मुझे ये चिप राइट करना होता तो मैं किस प्रकार से करता वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ओपन फाइल पे आना है आपको, यहाँ से आपको ओपन फाइल करना है, फाइल पूछेगा, फाइल देना है। उसके बाद में आपको यहाँ से हमने रीड कराया था, यहाँ से हमने ओपन कराया फाइल को, और यहाँ से हम प्रोग्राम करेंगे। तो यहाँ से ओपन किया, सपोज ये डेस्कटॉप पे फाइल है, ये हमने फाइल ले लिया, ओपन किया, और यहाँ पर हम आ जाएंगे प्रोग्राम IC, इस पर क्लिक कर देना है। तो जैसा आपने चारों चीज़ों पे टिक कर रखा था वन बाय वन वो प्रोसेस में आ जाएगी। इस पर हमने क्लिक किया, IC विल बी इरेज एंड प्रोग्राम कंटिन्यू, तो हमें यहाँ यस पे क्लिक कर देना है। देखिए यहाँ पे प्रोसेसिंग चल रहा है, इरेजिंग मेमोरी लिखा आ रहा है। देखिए प्रोग्रामिंग मेमोरी वेरीफाई। इस समय आप देखेंगे तो हमारा दूसरा लाइट भी जला हुआ है इस पे आप गौर करेंगे। ये हमारा लाइट PC से जुड़ते ही सिस्टम से जुड़ते ऑन हो जाता है, जबकि ये लाइट हमारा देखिए अभी हमारा यहाँ पे सक्सेस हो चुका है, तो ये लाइट हमारा बंद हो गया है। जो इसका प्रोसेसिंग वाला लाइट है ये बंद हो गया है। तो इस प्रकार से हम चिप को प्रोग्राम करते हैं, काफ़ी इजी टू यूज़ है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आता है इसमें। नेक्स्ट हम
अगर आपको इसी प्रोग्राम से 1.8 वोल्ट का बायोस चिप को राइट करना है तो इस अडेप्टर का यूज़ करेंगे। ये एक कन्वर्टर है जो इस पर हम 1.8 वोल्ट की बायोस चिप को लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जो पिन नंबर 8 का जो पोजीशन है वहाँ पर इस प्रोग्रामर की सहायता से 1.8 बना लिया जाता है। आपको चिप को पहले नेट पे देख लेना है या स्टेमेटिक डायग्राम पे देख लेना है, आपका जो बायोस चिप है 3.3 वोल्ट के लिए है या 1.8 वोल्ट के लिए है। अगर आप 1.8 वोल्ट की बायोस चिप को डायरेक्टली लगा देंगे तो आपका बायोस चिप खराब भी हो सकता है। तो किसी भी प्रकार की समस्या से बचने के लिए पहले पूरा उसके बारे में पता कर लें, आपका बायोस चिप 3.3 वोल्ट का है या 1.8 वोल्ट का है। जैसे सपोज हमारा ये बायोस चिप था, इस बायोस चिप पे जो नंबर लिखा हुआ है इसको हम गूगल करते हैं या गूगल पे डालते हैं तो इसका इन्फॉर्मेशन आ जाता है। हमारी बायोस चिप के ऊपर देखिए ये लिखा हुआ था ये नंबर, अगर इस नंबर को हम गूगल पे डालते हैं तो क्या इन्फॉर्मेशन आती है मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं जो VCC है 3.3 वोल्ट पावर सप्लाई, तो ये जो बायोस चिप है 3.3 वोल्ट का है। नेक्स्ट हम इससे अडेप्टर की सहायता से भी राइट कर सकते हैं और ट्रिक का यूज़ करके भी हम इस प्रोग्रामर की सहायता से राइट कर सकते हैं।